तो बाकी जो कम्युनिटी हो वो और ज्यादा लामबंद हो आपके खिलाफ? नहीं, बाकी की कम्युनिटी को भी क्या मिला है आप देखिए, उसको भी कुछ नहीं मिला है। इस अनामत आंदोलन के चलते गुजरात की बाकी जो कम्युनिटी है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते है, उसको भी पता चला कि हमें भी कुछ नहीं मिला लॉलीपॉप के सिवा। मैं बताऊं क्या मिला? ये जो अनामत आंदोलन हुआ उसके बाद ओबीसी एससी एसटी को पता चला क्या नहीं है, गुजरात में एक भी इंग्लिश मीडियम की गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अब गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ना चाहे तो कहाँ जाके पढ़ेगा? मिशनरी में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। कैसे एडमिशन मिलेगा? कौन पैसा देगा मिशनरी स्कूल का? तो ये बात सामने आई अनामत आंदोलन के चलते, तब वो कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी कि ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए इंग्लिश स्कूल नहीं है, अफसर का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, पैसे वाले का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा और गरीब का बच्चा क्या पढ़ेगा? गुजराती में फाफे पड़ जाएंगे और मजदूरी करेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या सामने आई, कोई भी सरकारी स्कूल में पूरे गुजरात में कंप्यूटर का टीचर नहीं है। आप बात करते डिजिटल इंडिया की, कोई भी स्कूल में वहाँ के टीचर की हालत आपने देखी थी? ये जानकारी मुझे नहीं थी, कहीं कोई कंप्यूटर? एक भी सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर नहीं है। संस्कृत का टीचर कंप्यूटर पढ़ाएगा, हिस्ट्री का पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स का पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ा लेगा अल्टरनेटिवली। प्रॉपर बेरोजगार भी इतने हैं, कंप्यूटर में डिग्री लिए हुए है बेरोजगार इतने है, लेकिन उसको भर्ती नहीं किया गया है। कंप्यूटर दिए गए है, उसमें भी बहुत बड़ा घपला किया है। तो ये बात सामने आई, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एससी एसटी का पढ़ता है, तो उसको कंप्यूटर सीखने नहीं मिलता है प्रॉपर, बड़ा होकर क्या बनेगा? डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा जब उसको कंप्यूटर नहीं आएगा, जो कि अब की इस वक्त की नेसेसिटी है ये कि कंप्यूटर आना चाहिए। अब जो मजदूरी करता है गांव में जाके, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको कंप्यूटर नहीं आएगा। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं थोड़ा प्रिविलेज वाला हूँ, तो मेरा बच्चा कंप्यूटर अपने आप सीखेगा, घर पे सीखेगा, ट्यूशन में सीखेगा, अपने आप होशियार बन जाएगा, तो गरीब का बच्चा पीछे रह जाएगा, मेरा आगे निकल जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बाहर आया, पूरी कम्युनिटी को पता चला कि हमें भी कुछ नहीं मिला है। जब इतनी बड़ी पाटीदार कम्युनिटी को भी कुछ नहीं मिला है तो छोटे लोगों को मिला ही क्या होगा, ये तो सीधी सी बात है। मैं गुजरात का मतलब लगभग उधर जो बॉर्डर, जो राजस्थान बॉर्डर है, मध्य प्रदेश बॉर्डर है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, उससे जो लगते हुए जिले हैं आदिवासी बेल्ट, वो पूरा घूमाया हूँ, और वहाँ रोजगार की बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो रोजगार की इतनी बड़ी दिक्कत भी यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं है कि ये भाजपा ने पिछले, मैं देखूं 1992 से लेके धर्म को चुनाव का मुद्दा बना दिया है और दिमाग में इतना ऊंडे, उतना डीपली घुसा दिया है कि कोई भी चुनाव होगा धर्म का मुद्दा ऊपर रहेगा। हालांकि होना क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार, रोड व रास्ते, आरोग्य की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा, ये होना चाहिए। लेकिन ये भाजपा ने इतना घटिया नफरत फैलाई है लोगों के बीच, धर्म धर्म के बीच, जाति जाति की, कि हर वक्त गुजरात में ये मुद्दा प्रमुख रहता है। इस बात का हमें भी दुख है, और एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द स्टेट हम प्रयत्नशील है, हम कार्यान्वित है कि हम इस मुद्दे को साइड करके प्रमुख मुद्दा है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे है उसको पब्लिक के सामने रख सके कि चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा जाना चाहिए, ना कि धर्म जाति वगैरह वगैरह। आज नरेंद्र मोदी सभा में आते, बहुत समझिए, हिंदी माध्यम में पूरा देश जाने आप, आज नरेंद्र मोदी जो कि हमारे यहाँ के पनौती पुत्र है, वो पनौती पुत्र नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में गुजरात आते हैं, तो आज अपनी सब स्पीच कहीं पे भी जाते हैं गुजराती में क्यों देते हैं? बोलिए, आप देश के बड़ा प्रधान है, आप हिंदी बोलिए, पूरा देश जान सके कि आप चुनाव प्रचार में क्या बात कर रहे हैं। क्यों आप गुजराती बोल रहे हैं? क्यों आप देशी भाषा जो काठियावाड़ी भाषा हमारी होती है, जैसे काठियावाड़ी होगी तो उत्तर गुजरात का आदमी कम समझ पाएगा, क्योंकि वहां के लोकल वर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है, आप जानते हो उसको, देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस भाषा में क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो जातिवाद फैलाते हैं, कौमवाद फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, नेताओं के बीच में जहर फैलाते हैं, जबकि अंदरूनी सब एक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि गुजराती इसलिए बोलता है कि उसके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा का मुद्दा होगा अगर अच्छी स्कूल बनाई है, गुजरात की एक भी सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है तो दिखाए कि मैंने स्विमिंग पूल वाले, क्यों स्विमिंग में हमको ओलंपिक नहीं चाहिए? क्यों सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है? क्यों बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं है? क्यों वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं है? बताए वो प्राथमिक शाला में कितना है? नहीं है, इसीलिए गुजराती में वो जातिवाद की बात करता है, धर्म की बात करता है। मंदिर जाएगा, महाराज से मिलेगा, संतों से मिलेगा, वोट बटोरेगा, चलता आया है, चलता रहेगा। लेकिन कहा यह जाता है कि मतलब भाजपा सरकार ने धर्म के बीच टकराव को बढ़ावा दिया, लेकिन अभी
कांग्रेस यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। देखो वड़ाप्रधान सॉरी राष्ट्रपति का चुनाव जब था तब उसकी जाति किसने डिक्लेयर की थी सबसे पहले कि हमारा कैंडिडेट दलित कास्ट का है, किसने बोला था? जातिवाद की शुरुआत किसने की? जब ये वड़ा प्रधान बन गए थे हमारे पनौती पुत्र तब किसने कहा था कि ये ओबीसी जाति से है, किसने बोला था? जातिवाद की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। ये मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सामाजिक आदमी हूँ, न सिर्फ एक समाज का हूँ, सब समाज का हूँ, यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। और इस वास्ते अगर मैं कहूँ कि जातिवाद की जहां तक बात है ये भाजपा का बना बनाया प्रोपेगेंडा है कि आप जातिवाद के नाम पे अपने सामने वाले जो ओपोनेंट है उसको आप क्रेडिबिलिटी डाउन कर दो, ये उसका प्रोपेगेंडा है। लेकिन हकीकत ये है कि सभी जातियां आज इन तानाशाह जनरल डायर के खिलाफ एकजुट हो गई है और ये इतिहास में पहली बार है कि सब जाति के आदमी, सब बिरादरी के आदमी एक ही मंच के नीचे देखेंगे, एक मंच के ऊपर दिखेंगे, एक ही वो उसके ऊपर दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात गुजरात में, आप देखिए ये पाटीदार का चल रहा है, आपको इसमें किसी ने अपोज किया? क्यों नहीं किया? दो साल से चल रहा है, सब लोग साथ में, गुजरात की सब बिरादरी, सब ज्ञाति साथ में। क्यों? क्योंकि सबको पता चला कि इन लोगों ने सबको उल्लू बनाया, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई है। आप ही जानते हैं।